महाराज बाबरी जी थे, उन्होंने जो है कि अपना शीश का दान जो है कि श्री कृष्ण जी को जो है यहीं पे दिया था। और देखिए बाबरी से कहे थे जो है कि इसको मतलब एक तीर से जो है कि भेजने के लिए, तो वैसे उसी पीपल का पेड़ जो है कि यहाँ पे है अभी। हाय एवरीवन, आप सबका फिर से एक नया ब्लॉग में स्वागत है। तो गाइस आज के ब्लॉग में हम जो है कि आए हैं खाटू श्याम। तो गाइस आप लोगों ने जो है कि पिछले ब्लॉग में जो है देखा था कि हम जो है कि हरियाणा आ चुके हैं। तो गाइस आइए जो है कि आपको खाटू श्याम का जो है कि दर्शन कराते हैं और जो है दिखाते हैं आपको आएगा सीन। तो गाइस हमारे साथ में देखिए जो है कि हम 5 लोग आए हैं, जो कि हम मम्मी पापा और जो है कि खुशी इस्माइल। सो गाइस लोग आ चुके हैं और जो है कि आइए जो है कि अब जो है कि यहाँ से चलते हैं सीधे जो है कि मंदिर में और जो है दिखाते हैं आपको वहाँ का सीन। गाइस देखे जो है कभी हम आए थे चुलकाना धाम, यहाँ पे देखे जो है आपको प्रसाद वाले भैया मिले हैं, ये दो हैं भैया। नाम क्या है आपका? मोहित। सो गाइस भाई का नाम है मोहित। और देखे जो है कि आप अगर चुलकाना धाम आइएगा तो जो है कि आपको भाई यहाँ पे देगा, इसका इनका जो है कि दुकान है यहाँ पे। तो गाइस आप इनके यहाँ से प्रसाद वगैरह ले सकते हैं और जो है काफ़ी सस्ते रेट पर दे देंगे। हाय कर दीजिए। फाइनली देखिए जो है कि यहाँ प्रसाद वगैरह ले चुके हैं, अब जो है कि आइए सीधे जो है चलते हैं यहाँ से मंदिर में और जो दिखाएंगे आपको। गाइस फाइनली देखिए जो है प्रसाद वगैरह लेके जो है कि हम लोग सीधे चल रहे हैं मंदिर की तरफ। तो गाइस आइए जो है कि मंदिर के अंदर चलते हैं और वहाँ प्रसाद वगैरह चढ़ाते हैं। तो गाइस ये रहा मंदिर का मेन गेट और देखिए जो है कि यहाँ से प्रवेश बगल थे। तो गाइस आइए जो है सीधे जो है यहाँ से अंदर एंट्री करते हैं हम लोग। तो गाइस जैसे ही आप मंदिर से एंटर करेंगे आपको जो है बगल में यहाँ पे देखिए शूज वगैरह निकालने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आइए जो है कि यहाँ पे आप जो है कि पढ़ सकते प्राचीन सिद्ध श्री श्याम बाबा मंदिर, चुलकाना धाम के नाम से जो है मंदिर है। तो गाइस आप जो है कि यहाँ से एंटर कर सकते हैं। इसके बाद देखिए जो है कि यहाँ से ये रहा मंदिर का सीन कुछ इस प्रकार के। तो गाइस आइए जो है कि इसके अंदर चलते हैं यहाँ से और जो दिखाते हैं आपको। तो गाइस ये रहा मंदिर जो है कि यहाँ से एंटर के लिए है। इसके बगल से देखिए जो है कि यहाँ से बनाया है अंदर जाने के लिए। तो गाइस यहाँ से देखिए जो है कि अंदर जाने के लिए है, उसके बगल से जो है कि पीछे से राउंड घूम के जो है वापस आना पड़ेगा। तो गाइस अभी देखे जो है कि हम लोग मंदिर से जो है कि बाहर आ चुके हैं और ये रहे देखे जो है पापा जी खुशी और देखे जो है कि इस्माइल और जो है कि मम्मी पीछे हैं। तो गाइस फाइनली देखे जो है सभी लोग मंदिर जो है कि पूजा करके वापस आ चुके हैं दर्शन वगैरह करके। तो गाइस अब देखे जो है कि यहाँ से बगल में देखे जो है घूमने के लिए बना है। तो गाइस आइए जो है थोड़ा पार्क वगैरह घूमा जाए, उसके बाद जो है कि आपको भी दिखाते हैं और चलेंगे इसके आगे भी। सो गाइस यहाँ पे देखे जो है कि हमको छोटू मिला है। सुनो यहाँ सुनो 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 सुनो। सो गाइस यहाँ पे देखे जो है कि हमको जो है छोटू मिला है। नाम बताओ अपना। शुभम। सो गाइस छोटू का नाम है शुभम। यहीं के हो तुम? कहाँ से हो यहाँ के? पास में ही हो यहाँ से? अच्छा। तो गाइस छोटू देखे जो है कि यहीं का लोकल है। तो गाइस ये देखे जो है कि पंडाल वगैरह लगाने के लिए, जैसे जो है कि भंडारा वगैरह करना चाहे तो गाइस आप जो है कि मंदिर में आप संपर्क करके भंडारा वगैरह कराना चाहे तो गाइस आप जो है करवा सकते हैं। गाइस ये देखे जो है शौचालय वगैरह यहाँ बनाए हैं, लेडीज पुरुष दोनों का इसी में है। ये देखिए जो है लेडीज इधर है और पुरुष के लिए आगे है ये। और ये देखिए जो है कि इधर रहा जो है कि गार्डन टाइप का जो है इसको बनाए हैं। आइए जो है कि आपको यहाँ का श्याम कुंड दिखाते हैं। तो गाइस ये देखिए जो है कि ये रहा श्याम कुंड। इसमें देखिए जो है कि पानी वगैरह है नहीं और जो है फव्वारा वगैरह बढ़िया लगाए हैं। तो गाइस इसको बैक कैमरे से जो है कि आपको दिखाते हैं यहाँ का सीन। तो गाइस ये देखिए जो है कि ये रहा श्याम कुंड और देखिए जो है कि अभी ये जो है पूरा सूखा पड़ा है। इसमें देखिए जो है कि फव्वारा वगैरह भी लगाए हैं लेकिन जो है अभी जो है बंद है क्योंकि पानी ही नहीं है, चलेगा कहाँ से। और इसके सामने देखिए जो है कि ये रहा मंदिर।
चूँकि आपको जो है कि मंदिर के अंदर सीन दिखाई चुके हैं, तो गाइस इसके सामने ही ठीक जो है कि आपको यहाँ पे श्याम कुंड मिल जाएगा। और इसके बारे में देखिए जो है कि यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। अब गाइस पैर इतना तेज जल रहा है कि पूछिए मत। तो गाइस ये देखिए जो है कि ये रहा झरना, अभी देखिए जो है बंद है। रात में जो है कि यहाँ पे लाइटिंग वगैरह सिस्टम जो है काफ़ी अच्छा है यहाँ का। रात में जो है कि जलेगा और जो है कि यहाँ से जो है कि पानी वगैरह तब निकलेगा। अभी देखिए जो है कि बंद किए हैं और सभी लोग देखिए जो है कि यहाँ पे आके पारिक तारा जो है कि फोटो शूट कराएं। तो वैसा ही जो है कि हम लोग भी फोटो शूट कराते हैं। वैसे यहाँ पे देखिए जो है कि मंदिर इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पे जो श्री महाराज बाबरी जी थे उन्होंने जो है कि अपना शीश का दान जो है श्री कृष्ण जी को जो है कि यहीं पे दिया। वैसे यहाँ पे एक पीपल है और जो है कि उसी पीपल को जो है कि श्री कृष्ण जी जो है कि बाबरी से कहे थे जो है कि इसको मतलब एक तीर से जो है कि भेजने के लिए, वही पीपल का पेड़ जो है कि यहाँ पे है अभी। और जो है कि आज भी उसके पीपल के हर पत्ते में जो है कि छेद आपको जो है मिल जाएगा। तो वैसे आइए जो है कि आपको पीपल का पेड़ दिखाते हैं और उसमें देखिए जो है कि आज भी पूरे पीपल के पेड़ में जो है कि छेद दिखेगा आपको। तो गाइस ये देखिए जो है कि ये रहा पीपल जो अभी हम बता रहे थे, इसको इसी में देखिए जो है कि श्री कृष्ण जो है कि एक पत्तल जो है कि अपने पैर के नीचे छिपा लिए थे ताकि जो है कि बारबरी थे वो जो है कि भेद ना पाएँ। तो गाइस आइए जो है कि आपको इसमें पत्ता दिखाते हैं। इसमें देखिए जो है कि सारे पत्ते में जो है कि छेद दिखेगा आपको। तो ऐसा ही जो है कि एक पत्ता तोड़ते हैं पहले। तो गाइस ये देखिए जो है कि ये रहा पीपल का पेड़, बारबरी द्वारा जो है कि छेदा गया था और इसमें देखिए जो है कि छेद है जो है कि बहुत बारीकी बारीकी छेद है जो कि दिख नहीं रहा होगा कैमरा से, लेकिन इसमें देखिए जो है कि आज भी मतलब हर पत्ते में जो है कि छेद रहता है, छोटा से छोटा रहेगा लेकिन रहेगा हर पत्ते में। तो गाइस यहाँ पे देखिए जो है कि श्री कृष्ण को जो है कि बारबरी ने जो है सिर का अपने दान दिया था और जो है कि श्री कृष्ण जी जो है कि बारबरी को आशीर्वाद दिए थे जो कि आप हमारे नाम से जो है कि आप यहाँ पे जो है पूजे जाओगे। बारबरी जो है कि यहाँ पे श्याम के नाम से जो है पूजा जाता है। तो गाइस यहाँ पे देखिए जो है कि ये मंदिर जो है कि श्याम बाबा चुलकाना धाम के नाम से जो है कि ये मंदिर फेमस है और जो है कि आपको यहाँ पे आने के लिए, तो गाइस आप जो है कि यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ पे आने के लिए आपको जो है कि पहले आना पड़ेगा सोनीपत स्टेशन, जो कि आप मैप पे सर्च कर सकते हैं। तो गाइस वहाँ से जो है कि आप यहाँ पे आ सकते हैं और जो है कि वहाँ से यहाँ का आने का रास्ता जो है कि सिर्फ 5 से 10 मिनट का है, ज़्यादा दूर है नहीं। जो है कि आप जो है कि आना चाहें तो गाइस आप आ सकते हैं। और जो है कि अभी देखिए जो है कि हमारे साथ में सभी लोग आए हैं। तो गाइस आइए जो है कि घूमते हैं और जो दिखाते हैं आपको। तो गाइस और भी जो है बाकी डिटेल जो है वो जो है कि आपको डिस्क्रिप्शन में जो है मिल जाएगा। तो गाइस आप जो है कि एक बार डिस्क्रिप्शन जो है चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर जो है आपको लोकेशन टाइमिंग सब कुछ जो है मिल जाएगा। गाइस अभी देखिए जो है कि हम आए थे मंदिर में चुलकाना धाम, यहाँ पे जो है कि मंदिर में पूजा करने के बाद जो है वापस जा रहे थे। तो गाइस यहाँ पे देखिए जो है हमको एक भैया मिले हैं। तो गाइस आइए जो है कि भैया से थोड़ा मंदिर के बारे में पूछते हैं और जो है कि भैया से आपको मिलाते हैं। तो गाइस ये रहे भैया। जय श्री श्याम भैया, आपका नाम क्या है? अमन भाई त्रिवाला। भाई का नाम है अमन भाई त्रिवाला। भाई आप जो है कि ये बताइए मंदिर के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? मंदिर के यहाँ पे श्याम बाबा ने शीश का दान दिया, यहाँ दिया शीश का दान वो भूमि चुलकाना धाम है जहाँ विराजे बाबा श्यामो खाटू धाम। सो गाइस यहाँ पे देखिए जो है कि शीश का दान जो दिए थे श्री कृष्ण धाम में दिया था और जो विराजमान हुए थे बाबा खाटू में हुए थे। अच्छा, चुलकाना धाम मंदिर का नाम है कि मतलब प्लेस का नाम है? ये चुलकाना धाम मंदिर का ही है। अच्छा, चुलकाना धाम मंदिर का नाम है। तो गाइस हमको पता नहीं था इसलिए जो एक मतलब भैया से एक बार पूछ लिया थोड़ा कन्फर्मेशन करने के लिए, तो हो गया। सो गाइस भैया ये रहे। अब अगर आप जो है कि मंदिर में आइए आपको जो है कि यहाँ पे भैया मिल जाएंगे और भैया देखिए जो है कि यहाँ पे भैया की इत्र की दुकान है और जो है कि काफ़ी सस्ते रेट पर जो है कि आपको इत्र भी मिल जाएगा। हाय कर दीजिए एक बार। जय श्री श्याम जी। सो गाइस भैया का नाम है संयम जैन। भैया देखिए जो है हमको यहाँ पे स्प्राइट ले रहे हैं। भैया थैंक यू इसके लिए, धन्यवाद। सो गाइस फाइनली देखिए जो है हम लोग दर्शन वगैरह करके चुलकाना धाम से जो है कि वापस चल दिए हैं रूम के लिए। और देखिए जो है कि अभी भैया जो मिले थे एक, उनका जो है कि शॉप वगैरह है यहाँ पर, तो जो है उनसे भी मिलकर जो है काफ़ी अच्छा लगा। और इसी के साथ ये ब्लॉग एंड करते हैं। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल पर नया चैनल सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू।